रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। आज की महफिल के इस पड़ाव पे हम बात करेंगे फिल्म गाइड के एक गीत की। बहुत पॉपुलर गाना है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ये गीत फिल्म की कहानी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी गीत से ट्रांजिशन है फिल्म की हीरोइन रोजी का, वो कैरेक्टर चेंज होता है। यही गाना बताता है कि अब रोजी अपने पति के चंगुल से आजाद है और निकल पड़ी एक नए सफर पर जिंदगी की नई शुरुआत के लिए। गीत लिखा शैलेंद्र ने, म्यूजिक बाय दादा एसटी बर्मन। जब फिल्म रिलीज हुई तो सबसे पहले यही गाना लोगों की जबान पर चढ़ गया, मगर यही पॉपुलर गाना देवानंद के गले नहीं उतर रहा था। वो इस गाने को शूट करना दूर दोबारा किसी और म्यूजिक डायरेक्टर से बनवाना चाहते थे, इतना नापसंद था उन्हें ये गाना। वहीदा रहमान ने अपनी किताब में इस घटना का जिक्र किया है कि एक दिन शूटिंग के वक्त जब इस गाने को शूट करने की बारी आई तो देवानंद साहब बहुत अपसेट थे। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर, जो उनका भाई था, कहा कि पता नहीं बर्मनदा को, एसडी बर्मन को क्या हो गया है, ऐसा गाना बना दिया है, मजा नहीं आ रहा है, आई जस्ट कांट टेक इट। मैं दादा बर्मन से मुझे बात करनी पड़ेगी कि बिल्कुल गाने में मजा नहीं आ रहा है, किसी और डायरेक्टर से गाना कंपोज करवाएंगे। देव साहब की ये बात सुनकर गोल्डी को अजीब लगा, पूरी यूनिट ने भी ये बात सुनी और सबने रिक्वेस्ट की कि आपको ये गाना बहुत खराब लगा है, अगर आप बुरा नहीं माने तो कम से कम एक बार हमको ये गाना तो सुनवा दें, शूटिंग तो उसी दिन करनी है हमको। तो देवानंद ने बड़े अनमने मन से कहा, अच्छा नागरे के ऊपर लगा दो गाना और सुनवाओ। नागरा एक मशीन हुआ करती थी, स्पूल वाला एक मशीन होती थी उस जमाने में, तो उसमें गाना लगा देते थे। गाना लगाया गया, गाना सबने सुना और सब उछल पड़े गाने के बाद। लता जी की बेहतरीन आवाज, एसटी बर्मन का बेहतरीन म्यूजिक, शैलेंद्र का बेहतरीन गीत, सबको बहुत अच्छा लगा, सबने कहा आपको पसंद क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन देव साहब के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। अब सबने सोचा कि शूटिंग का टाइम आ रहा है, कैसे देव साहब को मनाए। तब भाई विजय आनंद के दिमाग में एक आइडिया आया, उन्होंने अपने भाई से कहा, हम सब आपके जज्बात की इज्जत करते हैं, आपके इमोशंस की, कि आपको गाना पसंद नहीं आ रहा है, मगर फिर भी एक हमारी रिक्वेस्ट है कि गाना शूट कर लेते हैं, शूट करने के बाद भी अगर आपको, जब देखेंगे आप गाना पसंद नहीं आया तो निकाल देंगे। देवानंद मान गए, सेटल हो गए और इस गाने को राजस्थान के अलग अलग लोकेशंस पर लगभग 5 दिनों में शूट किया गया। इसी शूटिंग के दौरान एक बहुत अहम बात हो गई जिसने देवानंद के फैसले को बदल दिया। हर दिन शूट के बाद फिल्म के क्रू मेंबर्स जब होटल लौटते तो हर एक की जबान पर यही गाना होता था, हर क्रू मेंबर यही गाना गुनगुनाता रहता था, कांटों से खींच के ये आंचल, जहां देखो जिसे देखो हर कोई यही गाना गुनगुनाता दिखाई देता था। लोगों की जुबान पर गाना चढ़ गया। तब देव साहब ने रियलाइज किया कि उनका फैसला हो सकता है गलत हो। 5वें दिन जब वो सेट पे पहुंचे तो उन्होंने सारे क्रू से कहा, सॉरी आई मेड मिस्टेक, सचमुच ये गाना बहुत अच्छा है और अब यही गाना हमारी फिल्म का हिस्सा भी बनेगा, मैं रखूंगा इस गाने को, और बाकी की तो रेस्ट इज हिस्ट्री। कैसे भागकर शादी की बासु भट्टाचार्य ने बिमल रॉय की बेटी रिंकी रॉय से। इन दोनों के प्रेम विवाह की कथा सुनाऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।